नमस्कार, मैं हूँ रेखा। किचन विद रेखा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं मैगी, अंडे मैगी के रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अंडा मैगी बनाने के लिए हम 4 अंडे ले लिए हैं। हम बड़ा वाली पैकेट मैगी के लिए हैं, इसमें हमारा 6 पैकेट है। 1 खम्बारीक गाजर काट लिए हैं, 4 हरी मिर्च काटे हैं, 2 शिमला मिर्च बारीक काट लिए हैं, और थोड़ा सा हम पत्ता गोभी के पत्ता काट लिए हैं, और 2 बारीक प्याज काटे हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब एक हम प्लेट लेंगे और एक बॉल लेंगे। अब अपने मैगी को फाड़ लेंगे, पैकेट में से निकाल देते हैं। ये हमारा मसाला है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। सारे मसाला को हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब चलते हैं बनाने के तरफ। अब हम फ्लेम को चालू करेंगे, इस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें तेल डालेंगे। हमने 2 बड़ी चम्मच इसमें तेल डाल दिए हैं। अब तेल को अपने गर्म होने देते हैं, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च हमारा भून गया है, बारीक किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसको भी आधा मिनट तक भून लेते हैं। ये हमारा आधा मिनट हो गया है, प्याज हमारा थोड़ा भून गया है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर। इसको भी आधा मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। गाजर भी हमारा आधा मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसमें पत्ता गोभी भी डाल दूंगी। इनको भी ज्यादा टाइम तक नहीं भूनेंगे, इनको 2 मिनट तक भून लूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैगी में भी नमक रहता है। इसको चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, ये हमारा फ्राई हो गया है, थोड़ा सा हल्का फ्राई हो गया है। अब इसमें अपने अंडे को तोड़ के डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, अंडे डालकर लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये जलने लगेगा। 5 मिनट हो गए हैं, हमारे अंडा कितना अच्छा देखिए भून गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक हम बाउल लेते हैं,
इसी में निकाल लेते हैं। हमने सारे अंडे भुजी को एक बाउल में निकाल लिए हैं, अब इसको हम साइड करते हैं। अब मैगी बनाने के तरफ चलते हैं, फ्लेम को चालू करते हैं। अब इस पे हम कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे, 6 पैकेट हमारा मैगी है तो। अगर आप कोई एक छोटा पैकेट बनाना हो तो 2 से ml पानी डाल सकते हैं। और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में हमारा उबाल आ गया है। अब हम मैगी को लेंगे और 4 टुकड़ों में तोड़ के डालते जाएंगे। सारे मैगी को 4 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसके अंदर मैगी के मसाला डाल देंगे। अब इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसको 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे। बीच में 2-3 बार चला लेंगे। 1.5 मिनट हो गए हैं। अब मैगी को हम फिर से चला लेते हैं। सारे हमारी मैगी अलग अलग हो गए हैं, फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें अपने भुने हुए अंडे के भुर्जी को इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब मैगी भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ। आप प्लेट में निकाल लेते हैं। अंडा मैगी को हम सारे बना के एक बाउल में निकाल लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। अगर हमारी ये अंडा मैगी की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।